अंग्रेजी में उदय को राइज कहा जाता है, इसीलिए बच्चों के भविष्य को उदय करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल की आधारशिला रखी थी, पर यहां भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री की उदय या राइज की परिभाषा को रिश्वतखोरी के चाहने वालों ने अपने अनुकूल बनाते हुए सीएम राइज स्कूल को भी रिश्वतखोरी का अड्डा बना लिया। इसी के चलते जिले के खरगापुर सीएम राइज स्कूल के खेल प्रशिक्षण टीचर अरुण कुमार जैन को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। लोकायुक्त डीएसपी मंजू पटेल ने बताया कि 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने पर फरियादी देवी दयाल साहू ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की। सीएम राइज स्कूल के खेल प्रशिक्षण टीचर अरुण कुमार जैन ने आवेदक देवी दयाल साहू से अतिथि शिक्षक की पिछली उपस्थिति लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती बोल रहे हैं। क्या है मामला, क्या है? ये आवेदक है देवी दयाल, जो खरगापुर में, इनके द्वारा हमारे लोकायुक्त में शिकायत की गई थी कि जो कार्यालय में बाबू का कार्य देखते हैं अरुण कुमार जैन, जो पद से पीटीआई है, उनके द्वारा जो जुलाई माह से स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ था, तो रजिस्टर जो है, मतलब इनके द्वारा उपस्थिति पंजी का जो रजिस्टर तैयार किया गया था वो अगस्त माह में तैयार किया गया। तो अगस्त माह में वो अपने उपस्थिति पंजी में साइन कर रहा था, तो जुलाई माह से चूंकि स्कूल प्रारंभ हुआ, सेशन प्रारंभ हुआ, तो जुलाई माह के उपस्थिति पंजी में साइन करने के एवज में उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। ऐसी शिकायत आवेदक द्वारा हमारे लोकायुक्त कार्यालय में की गई, जिसका हमने सत्यापन किया, सत्यापन पर सही पाया, और उसी कार्यक्रम में आज उनको 5,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई चल रही है। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? और तो कार्रवाई उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रमशः चल रही है, ये तो अपन कह नहीं सकते। इसमें सिंगल वही है कि और भी है? नहीं, एट प्रेजेंट तो चूंकि उनके द्वारा डिमांड की गई है, आरोपी इसमें वही है। टीम में कितने लोग हैं? टीम में मैं और मेरे दो निरीक्षक साथी, एक थाना रक्षक और 3 आरोपी। लगभग कितने बजे आते थे? मतलब यहाँ पर तो हम 11:30 बजे के लगभग, 11:15 बजे करीब। दयाल साहू कहाँ हो? अतिथि शिक्षक कहाँ थे? सीएम राज खरगा। अच्छा, क्या है मामला, क्या हुआ था? सर, मैं अतिथि शिक्षक की ड्यूटी 12 जुलाई से कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन नहीं आ पाया, इसकी पेपर था मेरा बर्गेट का, फिर 2 दिन बाद फिर आया, फिर 2 दिन गैप दिया, फिर 2 दिन आया, इस प्रकार से आता रहा। फिर इसके बाद अगस्त के महीने में मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं टीकमगढ़ हॉस्पिटल में बच्चे को दिखवाने गया, वहाँ पर एडमिट रहा 3 दिन। इसके बाद वहाँ से आया तो बाबूजी बोल रहे थे कि पिछले दस्तखत करना है तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या है नाम बाबूजी का? अरुण कुमार जी। क्या बोल रहे थे? 10,000 रुपये जमा कर, इसके बाद दस्तखत होंगे। इसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उनको बोला कि कुछ कम करो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है 8,000 दे देना, तो मैंने 8,000 के लिए भी मना कर दिया। फिर उन्होंने 1900 रुपये दिए मैंने कैश यहीं पे बाहर। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 6,000 और दे देना, तो मैंने उनसे बोला कि अब 5 और दे देंगे। नहीं, जैसे कि कोई दुकान वकान का कोई रीजन था क्या, कुछ पैसे देने के? कोई इसी में आती थी शिक्षक, बाकी और कुछ नहीं था वो? और कोई रीजन नहीं था। और इसके साथ मास्टर साहब के साथ और कोई था कि और कोई मास्टर है, किसी ने कहा हो आपसे? नहीं, और किसी ने नहीं कहा, सिर्फ अरुण कुमार जैन सर ने कहा। प्रिंसिपल महोदय के द्वारा तो नहीं बोला गया? नहीं, कुछ नहीं बोला गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।